इसमें वेरीफाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो इसमें हमारे पास देखिए इक्वेशन का साइन है, तो इसलिए एक साइड जो होती है इसकी पहले साइड को लेफ्ट हैंड साइड कह देते हैं, और ये जो है इसको राइट हैंड साइड है, यानी कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली जो है साइड वो राइट हैंड साइड होती है। इसको आर एच एस लिखते हैं। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वेश्चन है वो मेरे पास इधर दोबारा लिख लेंगे, 3/8 है प्लस ब्रैकेट 7/8 प्लस 5/8, इसको पहले हमने वैसे ही लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/8 को पहले वैसे ही लिख देंगे प्लस साइन, और ये जो ब्रैकेट है इसको पहले हमेशा सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 है क्योंकि इसका डिनोमीटर सेम है। तो फिर जब डिनोमीटर सेम हो तो वैसे ही हमने एक दफ़ा लिख देंगे, और सो 7 + 5 को इधर हम ऊपर लिख देते हैं, और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 + 5 = 12 होता है, लेकिन पहले मैं इसको ओपन ब्रैकेट करके इसको लिखूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3/8 + 12/8। अब ये 3/8 + 12/8 जो है इसका भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको मैं एक ही दफ़ा लिख दूंगी और फिर इसको हम ऐड करेंगे, 3 + 12 आ जाएगा और आंसर इसका आ जाएगा 15/8। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड था। अब हमने राइट हैंड साइड देखेंगे और उन दोनों का आंसर देखेंगे सेम आता है या नहीं। तो 3/8 + 7/8 + 5/8 है, तो इसके लिए भी सेम पहले ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व करना होता है, तो 8 है इसलिए एक ही दफ़ा लिख दिया, और इन दोनों को फिर हम 3 + 7 लिख देंगे प्लस 5/8 एज इट इज़ लिख दिया। अब 3 + 7 को सॉल्व किया तो आंसर होता है 10/8 + 5/8। अब देखिए डिनोमीटर सेम है, इसको मैंने फिर 8 वैसे लिख दिया, और फिर जो न्यूमरेटर है उसको प्लस साइन के साथ क्योंकि यहाँ प्लस था, और इसको सॉल्व किया तो आंसर आता है 15/8। अब देखिए हमारे पास जो ये वाला था और ये दोनों साइड के आंसर जो है वो सेम आ गया है, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल्स है राइट हैंड साइड के, इस तरह ये प्रूफ हो जाता है।